हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे एनालिसिस। और यहाँ पर देखिए मार्केट पूरा साइडवेज रहा, इसलिए मैंने कहा था मार्केट को रेंज निकालने दीजिए, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मार्केट का देखिए अब ट्रेंडिंग होने वाला है, कब? कल के लिए, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पर एक रेंज है, देखिए यहाँ पर जब मार्केट 32,200 के आसपास आएगा तब हमारे को सेल करने का चांस मिलेगा। बट कैसे? अब तो 500 पॉइंट डाउन है मार्केट, ठीक है। बट अभी देखिए हमारे लिए ये ट्रेड सपोर्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है 550 का, ठीक है। 550 जैसे ही क्रॉस करेगा या इसकी डाउन ओपन होगा तो हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर कोई बाउंस बैक नहीं हो सकता मार्केट में, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर जो रेंज है मार्केट ने अभी तक निकालनी 33,050 के, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान, और हमारे को यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट जब तक कल के हाई का लोन हाई का टच नहीं निकलता तब तक हम मार्केट में बाइंग नहीं कर सकते। कैसे? देखिए यहाँ पर 870 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर 870 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। वैसे नहीं करेंगे यहाँ पर ट्रेड, ठीक है। 870 के ऊपर ओपन होना चाहिए या उस रेंज के निकाल देना चाहिए फ्लैट ओपन होने के बाद। और मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो फिर मार्केट अप की मूवमेंट ले सकता है, इस रेंज के आसपास आ सकता है 700 के आसपास इस वीक में, ठीक है। 33,700 का कॉल। और हमारे को अगर देखिए यहाँ पर सेल करना है तो 550 की रेंज और 530 को ब्रेक कर देना चाहिए, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? और ये देखिए अभी आईवी पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस रेंज के ऊपर निकलना चाहिए 870 के ऊपर या इस रेंज के आसपास ओपन होता है तो हम बाइंग कर लेंगे, ठीक है। बस हमारे को 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पर नो ट्रेड करना है, उसके बाद मार्केट की लेवल देखेंगे कहाँ पर आता है, ब्रेकआउट कंप्लीट करता है कि नहीं, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारे को और मार्केट की कैंडल कैसे क्लोज होनी चाहिए ये भी बता दो आप लोगों को। देखिए मार्केट की कैंडल है ना ऐसे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अगर ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो फिर मार्केट हम ऊपर जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और डाउन साइड के लिए मार्केट को 550 की रेंज, ठीक है। और अभी देखते हैं निफ्टी, और निफ्टी में देखिए निफ्टी में इस रेंज को इम्पोर्टेंट निकालने के लिए 450 की रेंज, अगर 450 के आसपास ओपन होता है 70 पॉइंट निफ्टी तो हम मार्केट में बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। और डाउन साइड के लिए 280 की रेंज, 280 की रेंज निकालेंगे तो मार्केट हम सेल करेंगे, और यहाँ पर कोई बैंक बाउंस बैक की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज जो है हमारी 430 की रेंज, ठीक है, 430 के ऊपर ओपन होता है और 450 के आसपास जाता है और उसके बाद सेकंड कैंडल निकालता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है।